नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अप्रेंटिस गुरुजी पर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि 110वीं शिक्षुता परीक्षा के हॉल टिकट अब आपकी प्रोफाइल पर आ चुके हैं, लेकिन दोस्तों अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट की प्रोफाइल में ये हॉल टिकट नहीं दिख रहे हैं और अब तो प्रिंट का ऑप्शन भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों अब विभाग द्वारा आपके डिपार्टमेंट को भी हॉल टिकट डाउनलोड करने का प्रोविज़न दे दिया गया है। यानी दोस्तों, यदि आपका हॉल टिकट नहीं निकल रहा है तो आपका डिपार्टमेंट जहां से आपने अप्रेंटिसशिप की है वहां संपर्क करके अपना हॉल टिकट प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, पिछली बार 109वीं शिक्षुता परीक्षा में भी डिपार्टमेंट्स के द्वारा ही कैंडिडेट्स को हॉल टिकट जारी किए गए थे। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में हम डिपार्टमेंट के लॉगिन पोर्टल द्वारा हॉल टिकट डाउनलोड करने के प्रोसेस को देखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं apprenticeship.gov.in के होम पेज पर। दोस्तों, यहां से हम जाएंगे लॉगिन के ऑप्शन पर। दोस्तों, लॉगिन के ऑप्शन पर जाने उपरांत आपसे लॉगिन आईडी और पासवर्ड पूछा जाएगा। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक डिपार्टमेंट का लॉगिन व आईडी सेव कर रखा है, तो मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने NCVT MIS का लॉगिन पेज खुल जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हमें जाना होगा मेनू के ऑप्शन पर। दोस्तों, मेनू के ऑप्शन पर जाने उपरांत हमें जाना होगा अप्रेंटिसशिप के ऑप्शन पर। और दोस्तों, अप्रेंटिसशिप के ऑप्शन पर जाने उपरांत हमें जाना होगा AITT होल टिकट प्रिंट के ऑप्शन पर। तो मैं यहाँ पर प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है सेशन का। तो दोस्तों, यहाँ पर सेशन अक्टूबर 2019 ही रहने वाला है। और दोस्तों, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और इस्टेब्लिशमेंट नेम आपको पहले से फिल मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर हमें सेलेक्ट करनी है ट्रेड। दोस्तों, मोबाइल पर ये वेबसाइट खुलने का फ़ायदा ये हो जाता है, यहाँ से आप सभी ट्रेड को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप PC में इस वेबसाइट को खोलेंगे तो वहाँ पर एक साथ सारी ट्रेडें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगी। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर सभी ट्रेडों को एक साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। यदि आप चाहें किसी एक ट्रेड का एडमिट कार्ड आपको निकालना है तो आप किसी एक ट्रेड पर क्लिक करके भी ये एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको सभी ट्रेड्स के एडमिट कार्ड एक साथ निकाल कर दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, सभी ट्रेड को सिलेक्ट करने उपरांत हम ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और दोस्तों नीचे सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, ये हमारे सामने उन सभी कैंडिडेट्स की लिस्ट खुल जाती है जिन्होंने एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो दोस्तों, अभी हमें क्या करना है? दोस्तों, अभी हमें राइट साइड में जो सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है वहाँ से इन सभी कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। और दोस्तों, उसके पश्चात हम प्रिंट ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे सामने डू यू वॉन्ट टू डाउनलोड होल टिकट अगेन। दोस्तों, मैंने इसको पहले भी डाउनलोड कर रखा था, अभी मैं आपको दिखाने के लिए दोबारा डाउनलोड कर रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ से हम इस होल टिकट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों, ये हमारे सामने हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है और यहाँ से हम इस होल टिकट को ओपन करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने इन सभी कैंडिडेट्स के होल टिकट को एक साथ डाउनलोड किया है। तो इस तरीके से आपके सामने ये पूरी लिस्ट आ जाती है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप भी आपके डिपार्टमेंट में संपर्क करके इस तरीके से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करवा सकते हैं। और दोस्तों, एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप bharatskills.gov.in वेबसाइट का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आजकल देख रहा हूँ कि बहुत सारे वीडियो में अलग अलग तरह के कोर्स जिनके लिए आपको पे करना होगा उनके बारे में बार बार फोकस किया जाता है। तो दोस्तों, मेरी आपसे यही सलाह है कि आप उनकी तरफ ध्यान न देते हुए bharatskills.gov.in वेबसाइट, जो आपके इसी कार्य हेतु बनाई गई है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और वहीं से अपनी तैयारी पूरी करें।
तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे इस वीडियो द्वारा आपकी होल टिकट निकालने संबंधी क्वारी दूर हुई होगी। दोस्तों यदि आपको लगता है कि आपकी क्वारी दूर हुई है या आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक व शेयर जरूर कर दें, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह की हर अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।